सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक से रहते हैं। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम करने वाले कुछ पीसी कैबिनेट्स का रिव्यू जो बहुत ज़्यादा सस्ते बजट्स में आती हैं और उनकी जो क्वालिटी वो प्रोवाइड करती है बहुत अच्छी है, और उसमें आरजी वगैरह आपको देखने को मिलेगी। तो ये मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से कहा था कि उसको एक वीडियो चाहिए, एक बेस्ट बजट गेमिंग कैबिनेट 2500 के अंदर। तो मैंने उसके लिए कुछ शॉर्ट लिस्ट करी है, तो आप सब उसे देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो कोई फेस कैम नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं फेस कैम नहीं कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी भारी लग रही होगी, तो मैं उस पर वीडियो बना रहा, तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो। फर्स्ट अपडेट जो मैंने सोचा है, तो फर्स्ट जो ब्रांड्स मैंने सोचे हैं वो है एक तो चिप्रॉनिक्स और एक ज़ेब्रॉनिक्स। ज़ेब्रॉनिक्स के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो उसकी डिटेल रिव्यू के लिए आप उस वाली वीडियो देख लो, ऊपर आई बटन में आ रही होगी, अब जाकर उस पर क्लिक करके उस वीडियो को फुल देख लो। बाकी जो चिप्रॉनिक्स के ब्रांड है, अब मैंने इसमें दो सीरीज सेलेक्ट करी है। चिप्रॉनिक्स की ब्रांड सेम है बट सीरीज दो है। जो फर्स्ट सीरीज है वो हमारी बहुत ज़्यादा लो बजट की है, वो हमारी X10B सीरीज। तो क्या जो सेकंड सीरीज है हमारी थोड़ी सी महंगे बजट में आती है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 400 टू 500 का बजट में डिफरेंस है। बट उस सीरीज का नाम है वो हमारी MX, जो चिप्रॉनिक्स तरफ से काफ़ी अच्छी सीरीज है और काफ़ी ज़्यादा इसकी सेल होती है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने देखा है बेस्ट सेलर भी रहती है अमेजोन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने सारी कैबिनेट बताऊंगा वो अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे और सेम रेट में अमेजोन बताऊंगा, और ये कभी कभार जैसे सेल वगैरह आती है तो उन पर काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट जो कैबिनेट है वो हम सोच कर रहे हैं हमारे थोड़े सस्ते बजट से, जिसका नाम है X310B। ये आपको चिप्रॉनिक्स तरफ से मिल जाएगी। इसमें आपको सिंगल एक RGB दिखाई दे रही होगी, आपको सामने एक RGB स्ट्रिप, और इसमें आपको साइड में PSU शॉट भी देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हो PSU शॉट अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ा सा लुक को ख़राब करता है, क्योंकि अगर आप कोई भी कैबिनेट वो कोई भी पावर सप्लाई लगाते हो तो उसकी वायर्स ऊपर आपको अलग ही दिखाई देंगी। और बात कर लेते हैं इसमें RGB लाइटिंग की, तो इसमें आपको सिंगल एक RGB स्ट्रिप मिलती है, वो थोड़ी सी नीचे जाके एक्सपेंड भी होती है, बट फिर भी वो एक सिंगल है। और इसमें जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो हमारा थोड़ा ट्राइंगल टाइप है, मतलब थोड़ा शार्प डिज़ाइन है, फ्लैट बॉटम डिज़ाइन नहीं है, जो फ्लैट मेरे को ज़्यादा पर्सनली पसंद है। तो ये कैबिनेट आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ट्रांसपेरेंट आपको साइड पैनल मिलेगा, इसमें आपको एक 3.0 का पोर्ट मिल जाएगा, मतलब इसके ऊपर की तरफ आपको जहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शंस में एक USB 2.0 के पोर्ट मिल जाएंगे, एक HD ऑडियो मतलब एक हेडफोन जैक, और आपको पता ही है जो माइक के लिए होता है और एक ऑडियो के लिए होता है, और फ्रंट में RGB वो आप कंट्रोल करते हो बटन से, जो इसके ऊपर ही दिया हुआ है बटन के, मतलब आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलाना, आपको सिंपल इसका एक बटन है उसे दबा के आप इसका चेंज कर सकते हो। और ये सपोर्ट करती है सारे ATX, MATX और मिनी ATX मदरबोर्ड को, मतलब एक ATX मदरबोर्ड, माइक्रो ATX और मिनी ATX मदरबोर्ड को, सबको सपोर्ट करती है। आप इसमें मैक्सिमम जो कूलर हाइट है, मतलब AIO 160mm का आप लगा सकते हो, इससे ऊपर कहीं नहीं लगेगा। वैसे भी अपने सस्ते कैबिनेट में AIO लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसके फैंस जो आपको दिखाई देंगे नहीं और वो लुक को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस कैबिनेट को हम AIO की तरफ से छोड़ देते हैं, मतलब जिस पे भी AI है वो उस कैबिनेट को नहीं लेगा। और जो सेकंड पार्ट है वो हमारी X410B, ये भी हमारे X10B का ही सीरीज का ही पार्ट है। इसमें जो प्राइस डिफरेंस है वो करीब करीब बस 10-20 रुपए के प्राइस डिफरेंस है, और आपको इसमें हमने दो LED स्ट्रिप्स मिलती हैं, जो थोड़ी सी आपको ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा है आपके पुराने वाले कैबिनेट से अगर आप कंपेयर करो तो। साइड में बिल्कुल एक्रेलिक पैनल है, जो वैसे ही ट्रांसपेरेंट पैनल होता है। आपको इसमें सिंगल फैन भी लगा हुआ मिलेगा, जो RGB वगैरह कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा फैन है कि आपको कंप्यूटर को थोड़ा सा ठंडा करने में हेल्प करेगा। तो बस ये थी दो कैबिनेट जो हमारी X10B सीरीज से आती है, जिसका प्राइस है पहली वाली का 1942 रुपये और जो दूसरी वाली का वो है 1952 प्राइस। अगर आपको दोनों देखनी है तो दोनों बाय कर सकते हो, पर मैं मानूंगा कि आप इस सीरीज तरफ मत जाओ, ये सीरीज इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है और कूलिंग को भी इतना ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जो सेकंड सीरीज हमारी MX सीरीज, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें आपको पहले कैबिनेट मिलती है वो हमारी MX1 RGB, जो सेकंड है वो हमारी MX2 RGB, और जो थर्ड है हमारी MX3 RGB, और ऐसे ही आपकी MX4 RGB। तो इसके जो चार पार्ट है वो इतने बढ़िया नहीं है, मैं कहूँगा आपको MX3 बिल्कुल अच्छी नहीं लगती देखने में, मैंने उसको खुद भी देखा हुआ है पर्सनली, मेरे फ्रेंड पे है, वो देखने में अच्छी नहीं लगती। बाकी ये MX4, MX2 और MX1 के हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो MX1, इसमें आपको सिंगल लाइट मिल जाएगी RGB, तो आप इसे लेने की बजाय, तो आप अगर आपको एक सिंगल RGB लाइट लेनी है तो इससे जो आप वाली कैबिनेट ले लो जो आपको पहले देखने को मिलती है। इसमें और पुरानी वाली में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें आपको PSU शॉट देखने को मिलता है जो आपको दूसरे में नहीं मिलता, और एक RGB फैन मिलता है, मतलब फैन उसमें भी था बट इसमें जो फैन है वो हमारा RGB है, मतलब वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक RGB है, वो चलेगा, बस थोड़ा दिखने में आपको लुक को एनहांस करेगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कैबिनेट, इसमें भी आपको सारे मदरबोर्ड को सपोर्ट मिलता है और RGB स्ट्रिप एक सिंगल जो आपको दिख ही रहा है सामने, और एक रियर 120mm का फैन है जो RGB, मतलब वो ऑटोमेटिक RGB, उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, अपने आप ही अपना कलर बदलेगा। साइड में आपको दिख जाता है टेम्पर्ड ग्लास का पैनल, और जो नीचे मिलता है आपको पावर सप्लाई, मतलब PSU शॉट को इन्होंने हाईलाइट करके बताया हुआ है। बात कर लेते हैं हमारी MX4 की, MX2 पे मैं आऊंगा बाद में, फर्स्ट मैं MX4 पे आता हूँ क्योंकि उसका प्राइस कम है, MX2 का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हाई है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम MX4 पे आ जाते हैं। MX4 में आप देख सकते हैं आपको सामने लिखा हुआ है ये RGB स्ट्रिप नहीं है, ये एक RGB मतलब पैटर्न है जिसमें आपको RGB कलर देखने को मिलता है, उसमें आपको चिप्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। ये पर्सनली मुझे देखने में अच्छी लगी थी, बट थोड़ी सी RGB की जिसको ज़्यादा ही चाहिए मतलब RGB चाहिए वो तो ये नहीं हो पाएगा, बट इसका आपको डिसेंट लुक मिल जाएगा। अगर आप अंधेरे में यूज़ करते हो तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो होता है और एक काफ़ी रोबोटिक्स टाइप का आपको फील देता है आपके कमरे के अंदर। और इसमें भी आपको एक RGB फैन देखने को मिलता है जो ऑटोमेटिक RGB है, जैसा आपको पहले वाले कैबिनेट मिला था। PS2 शॉट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इसका जो प्राइस है वो आपका करीब करीब 2286 रुपीस, मतलब आपको 2200 रुपए के आसपास मिल जाएगी, और ये कभी कभार 2000 रुपए मिल जाती है सेल के अंदर। तो ये कैबिनेट मेरे को पर्सनली काफी अच्छी लगती है, पर जिनको RGB चाहिए वो इस कैबिनेट को अवॉइड कर सकते हैं। अब जो लास्ट कैबिनेट है हमारी MX2 RGB, इसका प्राइस आपको करीब करीब थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है जैसे पुरानी का हमारे था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी सबसे पहली जो सीरीज थी उसका प्राइस था 1900, और जो सेकंड सीरीज है उसका जो प्राइस था वो हमारा MX4 जो हमारी MX सीरीज थी उसका जो प्राइस था वो करीब करीब था 2200 के आसपास। बट ये MX2 की सीरीज सबसे महंगा वेरियंट है, इसका जो नाम है वो हमारा MX2 RGB। इसमें आपको RGB काफ़ी सारी देखने को मिलती है, और अगर आप एक यूट्यूबर हो मतलब आपको एक मतलब आपके PC है बट आपको उसके लिए कैबिनेट चाहिए आपके बैकग्राउंड के लिए, तो ये कैबिनेट बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है। फ्यूचरिस्टिक से इसका डिज़ाइन है जो काफ़ी अच्छा आपको लुक देता है देखने में, और इसमें भी आपको PS2 शॉट का सपोर्ट मिलता है। MX की सारी सीरीज में आपको PS2 शॉट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और एक RGB फैन भी आपको देखने को मिलेगा पीछे की साइड पे जो ऑटोमेटिक है, उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और बात कर लेते हैं सपोर्ट की, तो ये सारे मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है। इसमें भी आपको USB 3.0 का पोर्ट ऊपर मिल जाएगा, दो USB 2.0 और एक और कंट्रोल बटन जो RGB का आप कंट्रोल कर सकते हो। इसकी RGB काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और काफ़ी ज़्यादा फ्रंट में आपको दिखाई देगी, और एक लेफ्ट में लीफ भी दिखाई गई है आपको एक सामने जो हमारी एज RGB बोलते हैं जिसे। तो ये आपका अगर आपका PC आपका राइट साइड में रखा हुआ है, उसके आपके डेस्क के ऊपर राइट साइड में रखा हुआ आपका PC, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है देखने में, तो मेरे को ये काफ़ी सही लगा चीज़, इसलिए मैंने इसको मेंशन करा है। तो यही कैबिनेट मेरे को सबसे अच्छी लगी, बट इसका प्राइस थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकता है। तो आप देख सकते हो आपको बाकी कोई कैबिनेट पसंद आया नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, जो उसका प्राइस है वो हमारा 2719, जो आपको 2500 से ऊपर जा रहा है, बट ये सेल में कभी 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 2500 की मिलती है, 2600 की भी मिल जाती है, क्योंकि ये चिप्ट्रॉनिक्स है, ये चिप्ट्रॉनिक्स की काफ़ी सेल होती है, तो अपनी कैबिनेट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगा देते हैं कभी कभार। तो आप इसको बाय कर सकते हो, कभी भी टाइम आएगा तो मैं डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ फॉलो कर लो मुझे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा अपडेट्स की कौन सी चीज़ कौन सा कॉम्पोनेंट या कौन सी पेरिफेरल्स आपके सेल पे हैं, वहाँ से आप कर सकते हो बाय। और अगर आपको ये सब नहीं लेनी, आपको नहीं चाहिए कि मतलब आपको कम RGB मिल रही है, आपको फैंस कम मिल रहे हैं, तो आपके पास फिर एक लास्ट ऑप्शन बता है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है, मतलब मेरे को फेवरेट वो लगता है, बाकी आप देख सकते हो आपको पसंद आया नहीं आया, जिसका नाम है हमारा ZEP Coronas, जो कि काफ़ी अच्छी कैबिनेट है। इसमें आपको चार फैन प्री इंस्टॉल मिलते हैं, आप देख सकते हो चार फैंस आपको पहले से मिल रहा है, आपको कोई फैंस लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब फैंस से तो लुक काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो वो आपको जरूरत नहीं है। जो फैंस है वो हमारे रेनबो LED फैंस है, RGB नहीं है, जैसे पुरानी कैबिनेट्स में आपने देखा RGB फैंस है कि वो घूम रहे हैं, उनका कलर भी अच्छा चेंज हो रहा है। इतना आपको एक ही कलर मिलेगा बट वो रोटेट होगा कलर, तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया भी नहीं लगता देखने में। बट इसमें सामने और फ्लैट बटन डिजाइन है, लेफ्ट में मड ग्लास है, और इसमें वो PS2 शॉट का सपोर्ट नहीं मिलता, तो एक इसमें डिसअपॉइंट ये है कि इसमें PS2 शॉट का सपोर्ट नहीं दिया ZEPronics में। बाकी कैबिनेट में अच्छी है, इसका जो प्राइस है वो 2799, मतलब 2800 में आपको आराम से मिल जाएगी, और बाकी सारे जो इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन है वो एग्जैक्ट सेम है जो पुराने वाले में थी, जो हमारी X10B सीरीज थी उसके बराबर ही इसमें आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलेंगे। बट इस कैबिनेट में ये फायदा है कि आपको इसमें जो एयर फ्लो है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जो आपकी MX या B सीरीज है सबसे अच्छा आपको इसमें एयर फ्लो देखने को मिलेगा। सो गाइस बात कर लेते हैं अब कौन से स्केल पे कौन सी कैबिनेट सबसे बेस्ट देखने को लगती है। तो गाइस जो फर्स्ट हमने चूज करी है चिप्ट्रॉनिक्स में से, तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगी वो हमारी है MX2 RGB, और जो सेकंड नंबर पे हमारी MX4 RGB जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, दो मेरे टॉप फेवरेट हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी X410B अच्छी है और X310B भी अच्छी है, पर X410B में आपको थोड़ा सा फ्लैट बटन डिजाइन मिल जाता है फ्रंट में, और LED स्ट्रिप्स मतलब RGB स्ट्रिप्स आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है, और वहीं आपको बाकी 3.0 अगर तो सब सेम ही है। बट जो फिफ्थ नंबर पे मतलब आप इसे कंसीडर कर सकते हो, ये आपका मन नहीं है कि आपको RGB स्ट्रिप वगैरह नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नॉर्मल से फैंस वाले कैबिनेट चाहिए, तो आप ZEP Coronas को भी कंसीडर कर सकते हो, इसलिए मैंने इसे 5 नंबर पे रखा हुआ है, क्योंकि इसका थोड़ा प्राइस भी हाई है और कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते, उसमें कुछ ज़्यादा ही ग्लास दिया हुआ है। बाकी आप देख सकते हो आपको कौन सी सबसे फेवरेट लगती है, कमेंट में जरूर बताना जो आपको सबसे फेवरेट लगी। तो गाइस लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, घंटे के आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ नहीं मिल पाएंगी। तब तक के लिए Bye guys.